इंटरनेशनल फॉस्टर केयर डे 2023 को स्वनाथ फाउंडेशन ने मुंबई के अंधेरी में स्थित कला क्षेत्र आर्ट स्टूडियो में सेलिब्रेट किया। इस अवसर पर स्वनाथ फाउंडेशन की फाउंडर और मैनेजिंग ट्रस्टी श्रेया भारतीय, ट्रस्टी सारिका महोत्रा और गगन महोत्रा के साथ साथ कई हस्तियां मुख्य अतिथि के रूप में हाजिर रहीं, जिनमें भगेरिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के चेयरमैन सुरेश भगेरिया, इंडियन ऑयल अदानी वेंचर लिमिटेड के CEO अतुल खराटे, कला क्षेत्र आर्ट स्टूडियो के डायरेक्टर दीपक दीवान, मोटिवेशनल स्पीकर एवं जानीव संस्था के संस्थापक मनोज पांचाल और SNDT के डायरेक्टर प्रभाकर चौहान का नाम उल्लेखनीय है। सभी खास मेहमानों ने दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत की। उसके बाद स्वनाथ फाउंडेशन की फाउंडर और मैनेजिंग ट्रस्टी श्रेया भारतीय ने बताया कि इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि श्री मंगल प्रभात लोढ़ा, कैबिनेट मंत्री महिला व बाल विकास विभाग, यहां आने वाले थे, मगर उनकी एक जरूरी मीटिंग की वजह से वह यहां हाजिर न हो सके, मगर उनके आशीर्वाद हमारी संस्था को हमेशा रहा है। बता दें कि महिला व बाल विकास विभाग की फास्टर केयर योजना के अंतर्गत अनाथ बच्चों के पालन पोषण की सुविधा है। श्रेया भारतीय ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण पहले फोस्टर चाइल्ड हैं, इसलिए हम सबको ऐसे अनाथ बच्चों को अनाथ नहीं स्वनाथ के नाम से पुकारा जाना चाहिए। अनाथ एक निगेटिव, कमजोर और असक्षम शब्द लगता है। उन्हें यह कमजोरी, बेबसी, नकारात्मकता और सिंपैथी नहीं चाहिए। ये बच्चे अनाथ नहीं, स्वयं के नाथ हैं। हर बच्चे को परिवार मिले, ये हमारी संस्था का स्लोगन है और हम सब इसी दिशा में कार्य कर रहे हैं और इसी संदेश को समाज में, पेरेंट्स के बीच पहुँचाना चाहते हैं। श्रेया भारतीय ने आगे कहा कि ऐसे अनाथ बच्चों का पालन पोषण करने वाली सेवा को फॉस्टर केयर सेवा या पोषण देखरेख सेवा कहते हैं। भारतीय समाज और संस्कृति ऐसी रही है कि यहाँ अनाथालय की आवश्यकता नहीं है। ऐसे बच्चों को सिर्फ खाने पीने की जरूरत नहीं होती, बल्कि उन्हें माँ बाप के प्यार की आवश्यकता होती है। हम ऐसे परिवार की तलाश में स्वनाथ फाउंडेशन की ओर से देश भर के विभिन्न राज्यों में गए हैं। इस संस्था के द्वारा हम बच्चों के हित में काम कर रहे हैं। हमारी यही ख्वाहिश है कि तमाम बालक या बालिका गृह में रहने वाले बच्चों को एक बेहतर परिवार मिल सके। अमेरिका हो, यूके हो, साउथ ईस्ट एशिया हो, ऑस्ट्रेलिया हो, यूरोपियन कंट्रीज हो, ये सभी जगह पर फॉस्टर केयर ये सब्जेक्ट बहुत जाना माना है। इतना जाना माना है कि वहाँ पे मल्टी फॉस्टरिंग होता है। घरों घरों में बच्चों को अलग अलग तरीके से दिया जाता है। कुछ कुछ दिन के लिए मेहमान ये बच्चे होते हैं जो फॉस्टरिंग का अनुभव लेते जाते हैं। लेकिन हमारा ये भारत देश है जहाँ पर फॉस्टर केयर सर्विस के बारे में ज़्यादा जानकारी ही नहीं है। हम ये इस विषय से पूरे अपरिचित हैं और ऐसे विषय को लेकर, लेकिन एक जगह से देखेंगे तो हमारी यहाँ भारतीय संस्कृति की जो देन है, ये हमारे संस्कृति की देन ऐसी कमाल की है जहाँ पर फॉस्टरिंग का सब्जेक्ट बहुत प्राचीन परंपरा से जुड़ा हुआ है और हमारे देश की धरोहर से और हमारा गौरवशाली इतिहास इसका सबूत है। जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण यशोदा और नंद के घर रहे, यह हमारा भगवान श्री कृष्ण हमारा पहला फॉस्टर चाइल्ड है और हमारी जो यशोदा और नंद है यह हमारे पहले फॉस्टर पेरेंट है। तो ऐसे देश में जहाँ पर फॉस्टर केयर सर्विसेज के बारे में बताएंगे तो ये बात तो हमारे देश का ही विषय है, हमारी प्राचीन परंपरा इसको कहती है और ये फॉस्टर केयर सर्विस इसका नाम अलग होता है। लेकिन हम कहते हैं कि हम अनाथों का नहीं, हम स्वनाथों का देश है। भारत देश स्वनाथों का देश है जहाँ पर अनाथ ये सब्जेक्ट नहीं था, लेकिन कुछ ऐसे कुछ घटनाएं घटी है, ऐसा एक इतिहास बन पड़ा है, हो गया है कि जहाँ पर बच्चे तादाद में बेघर और अनाथ पाए गए और वो उसका कारण भी अलग था, नेचुरल कैलेमिटीज़ और मैनमेड कैलेमिटीज़ की वजह से बच्चे तादाद में अनाथ हुए और इसके लिए संस्थाओं की ज़रूरत पड़ी। और हमारा जो विषय था जहाँ पर स्वीकारार्हता समाज की थी, जहाँ पर अनाथ ये शब्द हमें पता नहीं था, ये शब्द से हम परिचित हुए संस्थाओं की वजह से, जहाँ पर तादाद में बच्चों को रखा जाने लगा और वहाँ पे उनके पूरे ज़रूरतों को सोचा गया और उनके लिए एक शेल्टर होम्स, एक अनाथालय, एक बालगृह की संकल्पना दृढ़ हुई और आज हमारे देश में 7,163 इतनी संख्या में चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन जिसे कहा जाता है वो हमारे देश में है। और प्राइवेट इंस्टीट्यूशन की हम बात करेंगे तो इतनी तादाद में NGOs, इतने तादाद में ट्रस्ट के चले हुए बालगृह हमारे देश में है। लेकिन हमारे देश में बालगृह और ये सब होने के बावजूद भी ये बच्चों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत क्या है? सिर्फ उन्हें रहने के लिए, खाने के लिए और सोने के लिए जगह होने से उनकी सभी व्यवस्था या सभी ज़रूरतें पूरी हो सकती है क्या? तो नहीं, क्योंकि सबसे ज़्यादा उनको ज़रूरत होती है वो ममता की, वो प्रेम, वो प्यार की ज़रूरत उन्हें होती है, उन्हें एक मजबूत आधार की ज़रूरत होती है, उन्हें कोख की ज़रूरत होती है जिसके लिए हमारे बच्चे तरसते हैं। और हमारी कुटुंब व्यवस्था जो है, हमारी देश की परिवार आधारित जो
सेवा है, परिवार आधारित हमारे देश की संस्था जो जानी जाती है, सभी देश सभी विश्व में मशहूर है, तो हम इसी वजह से मशहूर है कि हमारी फैमिली बेस्ड सर्विस सबसे मजबूत आधार हमारे बच्चों के लिए है, हमारी फैमिली के मेंबर्स के लिए, और हमारी फैमिली के बारे में सभी विश्व में इस विषय की चर्चा होती है कि ये कैसे रहते हैं, ये लोग फैमिली को जुड़ के उनको पकड़ कर सालों साल रहते हैं, पूरा लाइफ टाइम हम हमारी फैमिली के साथ जुड़े हुए रहते हैं, लेकिन हमारे अनाथ बच्चों का अभी जो लाइफ टाइम है वो पूरा का पूरा आधा से अधिक 18 साल की उम्र तक तो उनका अंदर जाते हैं, यानी अपने चॉइस से भी अंदर जाते नहीं और अपने चॉइस से भी वो बाहर निकलते हैं, वो अपने चॉइस से भी निकलते नहीं हैं, उनको अच्छा खासा वहाँ पे जब रहने लगते हैं तो उनको बोला जाता है 18 की उम्र हो गई, अभी आप संज्ञान हो गए, बाहर निकल जाओ, और जब अंदर आते हैं तब ये छोटे हैं, बचपन उनका उनकी ज़रूरतों को देखकर उनको अंदर लाया जाता है, इसका मतलब ये है कि ये चॉइस से बच्चे अंदर भी नहीं आते और बाहर भी नहीं जाते, ऐसे अनाथ बच्चों का, और हमारे कानून ने कहा है कि जिनको जिसको ये कहा जा सकता है कि संरक्षण की ज़रूरत है, जिनको केयर एंड प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, ऐसे ज़रूरतमंद बच्चों इसकी संख्या भी बहुत ज़्यादा हमारे देश में है, और ऐसे मैं कहूँगी आपको कि 8 से 9% यानी पूरी आबादी का विचार करेंगे तो 39% हमारे यहाँ देश में बच्चों की संख्या है, और उसमें 39% में 8 से 9% जो है वो ये सभी ज़रूरतमंद बच्चे हैं जिनको चाइल्ड एंड केयर एंड प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है, और ये हमारे अनाथ बच्चों की तरह ही बाल गृहों में रखे जाते हैं, लेकिन इन सभी की यदि हम कुछ उनके बारे में सोचें, उनके बारे में जो ठीक तरह से विचार हो उसका विचार होकर कुछ हमारे बाल कल्याण समिति जैसे गवर्नमेंट का एक ढांचा तैयार है जो इन बच्चों का निर्णय करता है, इन बच्चे जब उनके सामने लाए जाते हैं तो उनका निर्णय पूरे बाल कल्याण समिति, बाल संरक्षण कक्ष, ऐसे एक हमारे यहाँ सरकार के द्वारा, यानी कोई भी सरकार, कोई भी राज्य की सरकार हो, वहाँ पे प्रशासन होता है जिसके तहत महिला व बाल विकास विभाग की ओर से ये बच्चों का निर्णय लिया जाता है और उनको बालक गृह में रखा जाता है, लेकिन वो बाल कल्याण समिति, वो बालक संरक्षण कक्ष के लोग ये सभी तय कर सकते हैं कि किसी बच्चे को यदि कुटुंब में जाना हो, यदि परिवार में जाना हो, तो ये तय कर सकते हैं कि इनको परिवार दिलाना चाहिए, लेकिन हमारे देश में एक दुर्दैवपूर्ण एक बात हो गई है कि जहाँ पे हम आदत के सब गुलाम होते हैं, जैसे अक्सर हमें देखा जाता है कि हम आदत के इतने गुलाम हो जाते हैं कि कोई आदत ऐसी हमें लग गई कि संस्थाओं में बच्चों को डाला जाए तो संस्था में डाला जाने लगा और उनको भी वो सभी यंत्रणा को लगने लगा कि यहाँ पे बच्चे सेफ है, 50 की संख्या में यदि बच्चे मुझे एक साथ दिखाई देते हैं तो क्यों मैं उनको परिवार में दूँ, ऐसे परिवार भी पता नहीं है कि जो अच्छे रहेंगे नहीं रहेंगे, बच्चों का अच्छा विकास, अच्छी देखभाल कर पाएंगे नहीं पाएंगे, इस संबंध में भी उनके मन में थोड़ी सी दुविधा है, और ऐसे एनजीओज यहाँ पे नहीं है जो एनजीओज उनको ये कॉन्फिडेंस दिला सकती है कि हमारे देश में हमारा देशी जो परिवार आधारित है जहाँ पर चाइल्डलेस कपल्स की संख्या ही 2 करोड़ से ज़्यादा है, वहाँ पे हमारे यहाँ ममत्व से जो कोख के लिए तरसती हुई माँ और मजबूत आधार देने वाला पिता, ये दोनों भी तरसते हैं और ये दोनों भी सोच रहे हैं कि हमें एडॉप्शन करना है, लेकिन एडॉप्शन का वो देखते हुए कारा की वेबसाइट जो एडॉप्शन के लिए तय हुई है, लेकिन वहाँ पे भी कभी कभी ऐसे होता है कि नियमावली अलग है उनमें वो बैठते नहीं, ऐसे माँ पिता क्या करेंगे, ऐसी एकाधी माँ जो अकेली रहती है, जो अकेली सिंगल करके रह चुकी है, वो जीवन में चाहती है कि मैं एक बच्चे का एडॉप्शन करूँ या फॉस्टर के लिए एक बच्चे को ले लूँ, गोदी में ले लूँ, तो वो क्या सोचेगी, तो उसके लिए ये प्रावधानों की थोड़ी सी अड़चन होने की वजह से ये सब लोग ये बच्चों को लेने में असमर्थ हो जाते हैं, इसीलिए हम कहते हैं कि फॉस्टर केयर सर्विस जो एक अस्थायी रूप से गोदी देने का प्रावधान है जिसके तहत कोई भी माँ पिता, कोई भी एक माता जो सिंगल है लेकिन वो बच्चे को लेना चाह रही है, एक ऐसा पेरेंट जो आगे आए जो जेंट्स है लेकिन वो बैचलर है, वो भी तय करता है कि मुझे एक बच्चा मैं गोदी में ले सकता हूँ, अस्थायी रूप से गोदी में ले सकता हूँ और उसे संस्कारित कर सकता हूँ, जैसे हम कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण यशोदा नंद के घर रहा, यही तो हम बोलते हैं कि ये फॉस्टर पेरेंट हमारे हैं जिन्होंने इतना कमाल का संस्कारित किया और बड़ा होने के बाद वो फिर से द्वारका चला गया अपनी देवकी और वसुदेव जो उसके सगी पिता और माता थे, तो मुझे लगता है कि इस तरीके से ये विषय को हमारे देश में जगह मिलनी चाहिए, हमारे देश में इन सभी बच्चों को उचित स्थान मिलना चाहिए, इसलिए मैं एक बात ये भी कहती हूँ कि अनाथ नहीं स्वनाथ, सभी बच्चे ये अनाथ नहीं है, ये स्वनाथ बच्चे हैं,
क्योंकि अपनी इच्छा शक्ति के आधार पर ये जूझते हुए, अलग अलग संघर्षों से जूझते हुए ये आगे बढ़ते हैं और अपनी मंजिल खुद पाते हैं अपने खुद के भरोसे पे। इसलिए ये सनाथ है और इन बच्चों का पुनर्वास ठीक तरह से परिवार आधारित सेवाओं में होना चाहिए और इसके लिए फॉस्टर केयर सर्विस जैसा अच्छा प्रावधान हमारे कानून ने हमें दिया है, जो 44 धारा के तहत, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत विस्तृत जानकारी उसमें दी है, उस का कानून का अमल हो और हमारे बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा परिवार आधारित सेवाओं का लाभ लें और उनको अच्छा खासा उनका बचपन सुखी समृद्ध संपन्न हो। और ऐसे पेरेंट्स जिनको अच्छे खासे बच्चे मिलने के बाद उनका एक अच्छा कुटुंब, उनका एक परिवार की संकल्पना में वो बैठ जाए और वो चाइल्डलेस कपल, उनको भी माँ और पिता का प्राउड फील हो और उनके यहाँ बच्चे जाए, तो ऐसा एक अच्छा वातावरण हम चाह रहे हैं हमारे देश में। और हमारे देश में ये अनाथ विषय, ये स्वनाथ विषय को हमें जगह देनी है, स्थान देना है और हमारे भारतवर्ष को फिर से याद दिलाना है उन बातों का, जहाँ पर हमारे यहाँ सभी एक्सेप्टेंस वाला हमारा समाज था, जहाँ पे अनाथ नहीं थे, वहाँ पे स्वनाथों की ही भाषा हुआ करती थी। तो इसीलिए हम चाह रहे हैं कि फिर से हमारे वैभव, हमारा जो राज्य का गौरवशाली इतिहास है उसे दोहराए और उसके ओर सभी को आकृष्ट करें और हमारे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आगे बढ़कर पेरेंट्स वो बन जाए और बच्चों का अच्छा अच्छी तरीके से संगोपन और संस्कार करें। थैंक यू वेरी मच। फाउंडेशन को बधाई देता हूँ, इस अवसर पर इन्होंने इस तरह का कार्यक्रम यहाँ आयोजित किया है। ये समस्या जैसे श्रेया जी ने बताया कि हमारे यहाँ पे संख्या जो है और संख्या के हिसाब से हमारे यहाँ पे कानून के प्राविधान जो है वो बहुत पुराने हैं। अभी सोनाथ फाउंडेशन के माध्यम से बहुत सारे प्रयास किए जा रहे हैं, बहुत सारी पॉलिसीज़ और फ्रेमवर्क के बारे में शुरुआत महाराष्ट्र राज्य से हुई है, मुझे इसका आनंद है। और आगे चल के इसमें सरकार के साथ साथ इंस्टीट्यूशनल, इंडिविजुअल और बहुत सारे सामाजिक संस्थाओं को जुड़ने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि हमारे यहाँ पे अभी अगर 2.5 करोड़ बच्चों की संख्या आज के समय है और जो अडॉप्शंस हो रहे हैं वो 3 या 4 हज़ार के रेंज में हैं, तो ये बहुत बड़ा फ़र्क है जो दुनिया के अन्य देशों से काफ़ी बहुत ज़्यादा है। हमें उसके ऊपर सबको मिलकर काम करना चाहिए। सोनाथ फाउंडेशन ने इस विषय के ऊपर एक राष्ट्रीय स्तर का काम खड़ा किया है। मैं व्यक्तिशः और इंडियन ऑयल अडानी इस वेंचर कंपनी की तरफ से इनके साथ में हमारा सहयोग की शुरुआत हमने की है और आने वाले दिनों में मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे साथ साथ और बहुत सारे लोग, बहुत सारे इंस्टीट्यूशनल्स इसके साथ में जुड़ेंगे और इस काम को हम सब लोग मिल के आगे बढ़ाएंगे। मैं भी इनको एक श्रेया मैडम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, इतनी अच्छी जो इन्होंने फाउंडेशन खड़ी की है। और मैं भी बैठे बैठे ये विचार कर रहा था कि जैसे हम लोग का एक फील्ड है, उसमें भी मैं मैम से रिक्वेस्ट करूँगा कि जैसे हमारे पास एकेडमी है, एक्टिंग कोर्सेज हैं, सब हैं, तो इन बच्चों के लिए कैसे आगे बढ़ के आने वाले समय में इनको फ्री हम ट्रेनिंग दें डांस क्लासेज में, ताकि ये बच्चे आने वाले समय में कुछ बन जाए। ऑलरेडी मुझे पता चला कि बहुत सारे बच्चे इसमें ऑफिसर्स बन गए हैं, काफ़ी अच्छी अच्छी वर्किंग कर रहे हैं और बहुत बड़े बड़े नाम हैं इसमें सोनाथ में, जो मतलब बच्चों ने आगे जाके कुछ किया है। अगर देश में सब एकजुट होकर आज इस मुहिम के लिए आगे बढ़ते हैं तो ये बच्चे देश का फ्यूचर भी हो सकते हैं और बहुत अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि इन बच्चों के ऊपर जिम्मेदारी ज़्यादा रहती है और उनको एहसास होता है कि जिसके 5-10 साल हो चुके हैं उसको पता होता है कि ये जीवन क्या है और कैसे बीतना है, तो उसको अगर हम एक बार उसका हाथ पकड़ लेंगे तो वो बहुत आगे निकल जाएगा। तो मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि आप सब लोगों के ज़रिए कि आप सब आगे आएँ और इसमें मदद करें। धन्यवाद। मैं बस आप सबसे यही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप जितना हो सके बोल लिखिए कि अनाथ नहीं स्वनाथ और हर बच्चे को परिवार, बस आप इतना करोगे तो आप उन बच्चों को बहुत मदद करोगे। धन्यवाद। एक्चुअली क्या हो गया ना, अभी एडॉप्शन उतना इजी नहीं रहा, तो कानून उनकी तरफ से काफ़ी अच्छे से, क्योंकि बच्चा देना है ना, कोई चीज़ नहीं है वो, डिपेंड्स हर केस के लिए डिपेंड होता है, हम ऐसे जजमेंटल नहीं हो सकते, हर केस के लिए होता है।
सरकार उनके हिसाब से काम कर रही है और हमारा भी ध्येय फोस्टर केयर के थ्रू यही है कि हर बच्चे को परिवार, बस अगर हम आपके द्वारा अगर ये प्रसार कर सके तो इससे बड़ा काम हम कर नहीं सकेंगे। थैंक यू वेरी मच, आपने इतना समय दिया है सभी ने। देखिए आज इंटरनेशनल पोस्टर गेट डे के दिन सबसे पहली यही हम सबके स्वनाथ फाउंडेशन के थ्रू मांग रहेगी कि ज्यादा से ज्यादा लोग पोस्टर केयर शब्द का पहले मतलब समझें। पोस्टर केयर है क्या? आज सोसाइटी में अगर कोई भी एक कपल विचार करता है कि उन्हें एक बच्चा चाहिए तो वो अनाथ आश्रम में जाते हैं। अनाथ आश्रम में जाने के बाद वो बोलते हैं हमें बच्चा चाहिए। अनाथ आश्रम वाले बोल देते कारा करके एक वेबसाइट है वहां पर आपको बच्चा मिलेगा। दुर्भाग्य की बात है संस्था वाले कभी ये शब्द का जिक्र ही नहीं करते कि फोस्टर केयर करके भी कोई कायदा है जिसके थ्रू आपको बच्चा मिल सकता है। इस इंटरनेशनल फोस्टर केयर डे के दिन हमारी यही मांग रहेगी कि सारे जो सोसाइटी के लोग हैं उन्हें इस शब्द का मतलब समझे कि इसके थ्रू भी बच्चा मिल सकता है। फोस्टर केयर बहुत सरल है, जैसे कहते हैं ना अडॉप्शन के लिए आपको 4 से 5 वर्ष लग जाते हैं उसके बाद आपको बच्चा मिलेगा, उसके बिल्कुल विपरीत 3 से 6 महीने के अंदर फोस्टर केयर के माध्यम के थ्रू आपको बच्चा मिल सकता है। आपका एक पहल फोस्टर केयर के थ्रू इन बच्चों को परिवार दिलवा सकता है। प्रक्रिया क्या है उसकी, क्या कैसे करेगा? देखिए सबसे पहले फोस्टर केयर के लिए वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट वेबसाइट के ऊपर एक लिंक है जिसके माध्यम के थ्रू आप अपनी डिटेल्स भरते हैं, अपने पूरा परिचय, मतलब आप क्या करते हैं, आपका पता क्या है, आपकी मंथली इनकम क्या है, तो आपकी एक फॉर्म पूरा भरा जाता है। इसके बाद ये फॉर्म CWC के थ्रू रेक्टिफाई होता है DCPO यूनिट के पास। जैसे वो DCPO यूनिट के पास जाते हैं तो एक डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर अपॉइंट किया जाता है जो आपकी पूरी जो आपने माहिती भरी हुई है उसकी पूरी वो स्क्रूटनी करते हैं। उसके बाद वो लीगल प्रोसेस शुरू हो जाता है और ये इसी महीने इन्हीं 3 से 6 महीने के अंदर ये पूरा हो जाता है। तो यही अपेक्षा यही है कि आप एटलीस्ट एक स्टेप आगे आके आप पहले फॉर्म तो भरिए। देखिए आज सोसाइटी में सबसे जो ज़रूरी चीज़ है वो है इस शब्द की अवेयरनेस होना, लोगों को समझना फोस्टर केयर क्या है। धन्यवाद। हम पहले बोल रहे हैं, हम पूना से हैं, पूना की कोर कमेटी से हैं। हम इस विषय को लेकर हम पूना में अवेयरनेस कर रहे हैं सभी जगह, कॉलेज में MSW के कॉलेज हो या कोई वहाँ के छोटे छोटे सोशल प्रोग्राम हो, वहाँ हम अवेयरनेस कर रहे हैं कि हर बच्चे को एक परिवार चाहिए। जो NGO में बच्चों को सब मिलता है लेकिन जो माँ का प्यार चाहिए वो नहीं मिलता, तो हमारा ये प्रयास होगा कि हर बच्चे को परिवार मिले, प्यार मिले। धन्यवाद। मैंने खुद फॉस्टर केयर बच्चे लेने के लिए कोशिश की थी पर हमारी यंत्रणा अभी तक ये पूरी तरह से समझ नहीं पाई है कि फॉस्टर केयर क्या है, या समाज में भी इतनी जनजागृति अभी तक हुई नहीं है, तो उसकी वजह से मुझे मिल नहीं पाए बच्चे। उसके बाद मैंने अडॉप्ट किए। अडॉप्ट करना भी बहुत अच्छी बात है पर फॉस्टर केयर ये जो संकल्पना है ये आप ही सभी हो जो समाज तक पहुंचा सकते हो, तो इसीलिए आज हम यहाँ पे स्वनाथ की ओर से उनकी वर्किंग कमिटी बनके यहाँ पे काम कर रहे हैं। हम चाहेंगे कि हर बच्चे को अपना एक परिवार मिले, स्थायी रूप से हो अस्थायी रूप से हो, पर उसको घर मिलना चाहिए क्योंकि उसकी परवरिश घर में जितनी अच्छी हो सकती है उतनी अच्छी अनाथालय में नहीं हो सकती है। तो यही हमारी कामना है कि हर बच्चे को परिवार मिले। यहाँ पे तो मैं सबसे पहले स्वनाथ फाउंडेशन की संस्थापिका श्रेयाताई भारती जी का अभिनंदन करना चाहता हूँ। उन्होंने ये बहुत ही अच्छा कार्यक्रम यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया है और इस तरह के इनिशिएटिव जो उन्होंने लिए है, तो यहाँ पे उनके साथ मैं SNDT से बिलोंग करता हूँ, तो हमारा SNDT परिवार ये स्वनाथ फाउंडेशन के लिए साथ काम करने के लिए तैयार है। किस तरह से SNDT जो है वो स्वनाथ फाउंडेशन के साथ कार्य करेगा कुछ उस बारे में बताइए। SNDT वुमेन्स यूनिवर्सिटी और स्वनाथ फाउंडेशन, हम लोग कम्युनिटी में जाके, हमारे पास MSW मास्टर ऑफ सोशल वर्क कोर्स है, तो उसके
तहत में हम लोग हमारे जो स्टूडेंट है तो कम्युनिटी में जाके ये सब्जेक्ट को लेके वहाँ पे कम्युनिटी में जाके अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं कि सोनाथ फाउंडेशन क्या काम करता है, उनका क्या मकसद है, ये पूरा कम्युनिटी तक पहुँचाने का काम हमारा SNDT यूनिवर्सिटी करेगा। सर, फोस्टर केयर डे पर क्या मैसेज समाज को दे रहे हैं, किस तरह से लोग जो है बच्चे को परिवार की तरह माने, उसका जो है जो गोद लेने की प्रक्रिया है उसको करें? एक्चुअली ये जो आज का जो प्रोग्राम है कि हर बच्चों को परिवार जो है तो ये मिलना चाहिए, और हर परिवार में अगर बच्चा रहेगा, जैसा अलग अलग इसमें है कम्युनिटी में बच्चे है, तो ये बच्चे को वहाँ पे परिवार मिलाने के लिए हम उनके साथ जाएंगे और उनको ये समझाएंगे कि परिवार में बच्चा रहेगा तो कितना खुश रह सकता है, परिवार वो बच्चों को मिलेगा तो बच्चे का डेवलपमेंट किस तरह के हो सकता है, ये अवेयरनेस, ये जन जागृति का प्रयास हम लोग हमारे तरफ से SNDT वुमेन्स यूनिवर्सिटी के तरफ से करेंगे। मतलब आप लोग अनाथ बच्चों को नाथ बनाना चाहते हैं? स्वनाथ हम लोग अभी अनाथ को स्वनाथ बनाना चाहते हैं। दे रहे थे, मैं सुन रहा था, सोनाथ फाउंडेशन किस तरह से काम करती है और किस लिए काम करती है वो बताइए। स्वनाथ फाउंडेशन एक्चुअली स्वनाथ का मतलब ये है कि किसी पे निर्भर ना होके स्वनाथ यानी स्वनाथ होना, खुद का नाथ होना। और स्वनाथ इसके लिए काम करता है कि मोस्टली जो बच्चे अनाथ होते हैं, जो भी किसी एक्सीडेंट में मिलते हैं या किसी बड़ी घटना में मिलते हैं, तो ऐसे बच्चों को अनाथ आश्रम के अलावा उनको डायरेक्टली घर किसी का मिल जाए, इसके ऊपर काम करती है। जो इसका मतलब है कि फॉस्टर केयर ऐसा है कि जो भी बच्चे हैं अनाथ आश्रम में अभी रहते हैं, छः साल से आगे के जो बच्चे हैं, ऐसे बच्चों को हम घर पे दिवाली पे लेके जाए या बच्चे को हम अडॉप्ट करें। या अनाथ आश्रम में रहना गलत नहीं है, मगर अनाथ आश्रम में रह के वो एक बच्चे को, जो अनाथ आश्रम चलाने वाले जो माता जी होती है, वो एक माँ 50 बच्चों को प्यार नहीं दे सकती है। तो हम जैसे समाज में भी जितने भी लोग हैं, ये लोग जाके वो बच्चों को अपने घर पे, जैसे दिवाली है या समर है या कोई प्रोग्राम है, तो ऐसे टाइम पे घर पे लेके जाए, उनका एडॉप्टेशन स्वीकार करे, उनको अपना फैमिली मेम्बर समझे और उनको बेस्ट लाइफ देने का प्रयास करे, इसके ऊपर स्वनाथ फाउंडेशन काम करता है। मनोज जी, जैसे कि आपने अभी स्पीच दिया, आप खुद भी एक अनाथ रहे हैं, बहुत तकलीफें आपने झेली हैं, कुछ उस बारे में अगर बताना चाहें। एक्चुअली क्या है कि इसमें ऐसा है कि जैसे कि अबव 18 हो जाते हैं हम, 18 साल के बाद, जो अनाथ आश्रम में मैं रहा वो अनाथ आश्रम बहुत अच्छा था, उन्होंने बहुत अच्छे संस्कार दिए, उन्होंने हमें बहुत आगे बढ़ने के लिए बहुत प्रयास किया, मगर गवर्नमेंट पॉलिसी ऐसी कि 18 साल के बाद अनाथ आश्रम के बच्चे को आपको बाहर निकलना होगा। अभी वो पॉलिसी में इम्प्लीमेंट होके 18 से लेके 23 साल तक वो बच्चे वहाँ पे रहे।